पागल डेंटल डॉक्टर। एक गांव में नांगिया नाम का एक आदमी एक डेंटल क्लिनिक ओपन किया। वो मुन्ना नाम के असिस्टेंट को रखकर उससे, रे जैसे मैंने कहा ठीक वैसे ही हमारे क्लिनिक के बारे में लोगों के बीच प्रचार करो। यहाँ बड़े दांत और टेढ़े दांत को ठीक करेंगे, सड़े हुए दांत को भी बिना दर्द के निकाल सकते हैं, मैले दांत को एक सेटिंग में ही एकदम साफ कर सकते हैं। ऐसे अच्छे से प्रचार करो, समझे? यूं कहा मुन्ना। ठीक है भास, अब तक इस गाँव में दांत का डॉक्टर ही नहीं था, इसलिए लोग तंग आ गए थे। आप इस गाँव में भगवान के रूप में आए हैं भास। यूं कहा मुन्ना फिर गलियों में घूमते हुए नांगिया के बारे में प्रचार करने लगा। अगले दिन एक पेशेंट क्लिनिक पर आया। नांगिया, बताइए क्या समस्या है? यूं पूछा वो। डॉक्टर जी, एक महीने से ये दांत बहुत दर्द दे रहा है। डॉक्टर जी, दांत निकालते वक्त दर्द होगा सोचकर डेंटिस्ट के पास नहीं गया। अब आप बिना दर्द के दांत निकालोगे सोचकर खुशी से आया हूँ सर। यूं कहा नांगिया। ओ, बहुत अच्छा काम किए, आकर बैठिए। यूं कहा पेशेंट फिर कुर्सी पर बैठा। नांगिया कटिंग प्लेयर स्क्रू ड्राइवर निकाला। वो देखकर मुन्ना, ये क्या कर रहा है? यूं सोचा पेशेंट। डॉक्टर जी, दर्द ना होने के लिए पेन किलर इंजेक्शन नहीं दोगे? नांगिया, जरूरत नहीं है। आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख कब हुआ बताइए? यूं पूछा पेशेंट। बाप रे, वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ सर। एक दिन मैं साड़ी खरीद कर नहीं दिया तो मेरी पत्नी चम्मच से मुझे जोर से मारी सर। वो दर्द मेरे दुश्मन को भी ना हो सर। यूं कहा नांगिया। वेरी गुड, अब वो दर्द को आप याद कर लो। उस दिन को अच्छे से याद करते हुए उस दर्द को भी एक बार याद कर लो। यूं कहा पेशेंट उस बात को याद करते हुए, बाप रे दर्द, हे भगवान, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यूं पुकारा। इतने में नांगिया कटिंग प्लेयर से उसका दांत खींच लिया। पेशेंट, सर दर्द हो रहा है सर। यूं कहा नांगिया, ये दांत खींचने का दर्द नहीं है भाई, तुम्हारी पत्नी का दी हुई सजा का दर्द है। ये साइकोलॉजिकल पेन है, फीस भरकर परसों आना, नया दांत फिट करता हूँ। यूं कहा फिर दूसरा पेशेंट आया। वो, डॉक्टर जी, टेढ़े मेढ़े दांत की वजह से लोगों के बीच हंस नहीं पा रहा हूँ और दांत ऊपर है, इसकी वजह से ठीक से खा नहीं पा रहा हूँ सर, आप ही कुछ कीजिए। यूं कहा नांगिया। उसमें क्या है, हथौड़ा से एक दे मार के और आरी से लेवल करेंगे तो ठीक हो जाएगा। कहकर एक छोटा हथौड़ा और आरी निकाला। मुन्ना, सर मर जाएगा सर। नांगिया, तुम फिकर मत करो, ये मेरे लिए नया नहीं है, मैं बहुत सारे फर्नीचर्स को सेट किया। मुन्ना, ये फर्नीचर्स क्या कह रहा है? यूं सोचा। एक दिन नांगिया को एक फोन कॉल आया। हेलो, हाँ क्या, ये तो सही काम है, अभी आ रहा हूँ। कहकर फोन रख दिया। मुन्ना, क्या सर सही काम बोल रहे हो? नांगिया, लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पड़ोसी गांव जा रहा हूँ, अरे हथौड़ा सब तैयार करो। यूं कहा मुन्ना। कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या करेगा, जाकर देखना ही होगा। यूं सोचा नांगिया। सारे काम की चीजों को लेकर पड़ोसी गांव के लिए निकल गया। मुन्ना उसका पीछा किया। नांगिया एक जगह पर लकड़ी का काम शुरू किया, आरी से लकड़ी को काट रहा था, हथौड़े से खील टोक रहा था। मुन्ना दंग रह गया। बाप रे, तुम कारपेंटर हो, पैसों के लिए अपने आप को डेंटिस्ट बता रहे हो, तो फिर तुम्हें मेरे पत्नी के हाथ के मैसूर पाक खिलाने ही होंगे। यूं सोचा। अगले दिन मुन्ना मैसूर पाक लाकर नांगिया को दिया। सर ये मेरी पत्नी का बनाया स्पेशल आइटम है सर, खाइए बहुत अच्छा है। यूं कहा नांगिया वो मैसूर पाक खाया, बस उसके चार दांत निकलकर हाथ में आ गए। नांगिया, रे ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है रे, मुझे पड़ोसी गांव के डेंटल अस्पताल लेकर जाओ रे। यूं कहा, बाह बस चुप रहिए सर, आप ही बड़े डेंटिस्ट हैं, आप दूसरे डॉक्टर के पास भला क्यों जाएंगे, रुकिए फेविकॉल लेकर आता हूँ, दांतों को चिपका दो, वहाँ पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। यूं कहा नांगिया। रे मैं हाथ जोड़ता हूँ रे, दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, टैक्सी लेकर आओ रे। मुन्ना, अरे क्यों सर, रुकिए मैं जो आपके दांतों को चिपका कर हथौड़ा से सेट करूंगा। यूं कहा नांगिया। मैं डॉक्टर नहीं हूँ रे, कारपेंटर हूँ, डेंटिस्ट का काम कारपेंटर का काम एक ही है सोचकर ये व्यापार शुरू किया, अब मेरे दांत गए तो मेरी शादी भी नहीं होगी रे, प्लीज। यूं कहा वो सुनकर पेशेंट्स अंदर आए। एक,
जूरे, दांत को लकड़ी के टुकड़े समझे क्या? अब तक हमारे दांतों के साथ खेल रहे थे, अब सब मिलकर तुम्हारे दांत निकालेंगे। यूं कहा फिर सब नांगिया को खूब पीटे। फिर पुलिस वाले उसे जेल में डाल दिए।